तो गाइस इस एनिमे की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा हार्ट टचिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें गोलेम नाम का एक गार्जियन दिखाया जाता है जिसकी लाइफ एज एटलीस्ट 1000 साल है। काम ये है कि वो जंगलों के जानवरों की रखवाली करता है और नेचर्स के रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक इंसानी छोटी सी बच्ची मिलती है यानी कि सोमाली। उसकी उम्र लगभग 5 साल होती है। सोमाली उस बंदे को देख कर उसे अपने पापा समझ रही होती है और उसके बाद वो हमेशा गोलम के आगे पीछे ही घूमते रहती थी। वेल, इसके बाद वो दोनों सिटी की तरफ निकल जाते हैं अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, यानी कि सोमाली को अपने जैसे लोगों के पास छोड़ के आना ह्यूमंस के एरिया में। वेल, ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। यहाँ पर गोलम सोमाली को डीमंस के सिटी में लेकर आ जाता है। गोलम सोमाली को सिटी के खतरों के बारे में उसे बताता है, जिस पर की सोमाली बिल्कुल एग्री होती है, लेकिन वो उधर उधर घूम रही होती है क्योंकि वो काफी दिनों बाद सिटी में आई हुई थी। उसे वो सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद जब सोमाली को भूख लगती है तो गोलम उसे पास के रेस्टोरेंट में ले जाता है उसे एक स्पेशल डिश खिलाने के लिए, जहां होटल में बैठे लोग सोमाली को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता था गोलम तो नेचर का गार्जियन है लेकिन सोमाली उनसे काफी ज्यादा अलग है। बट उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो एक इंसानी बच्ची है क्योंकि उसके सर में एक नकली सिंग लगे हुए थे। वेल, वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर गोलम बताता है कि वो इंसानों की तलाश में जा रहे हैं, जिसको सुनकर वो सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि इंसान वैसे तो तुम्हें ये डीमंस की सिटी में मिल जाएंगे क्योंकि ज्यादातर डीमंस इनकी मीट की डिश बनाकर खा जाते हैं, लेकिन अगर तुम उनके एरिया में जाना चाहते हो तो उसके बारे में हमें नहीं मालूम। तब इस जगह में एक वेटर भी आ जाती है और वो उन्हें आज से लगभग काफी पुरानी स्टोरी बताने लगती है, जब ह्यूमंस और डीमंस रहते तो इसी धरती पे थे बट उन्हें एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता था। पर जब डीमंस क्रिएचर ने उनको पहली बार देखा तो उनके रूप को देखकर ह्यूमंस ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इसके बाद ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई बढ़ने लगी जिसमें डीमंस की जीत हो गई और सारे ह्यूमंस मारे गए। अभी भी शायद कुछ बचे हुए हैं जिन्हें की ज्यादातर डीमंस की सिटी में बेच दिया जाता है, लेकिन क्या वो अभी भी बचे हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। वेल, इसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि आज वो लोग कहाँ सोने वाले हैं, क्या रात वो बाहर ही बिताएंगे। तो गोलम कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तो वो उन्हें आइडिया देते हैं कि वो जाकर होटल में क्यों नहीं रात बिताते हैं, और वैसे भी ये जगह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, जिस पर गोलम एग्री हो जाता है। यहाँ रूम में वो देखता है कि स्मोली का जो हॉर्न होता है वो टूट चुका था। इसके बाद वो उसे ठीक करने लगता है और दूसरी तरफ जहाँ पे स्मोली गाना गा रही होती है खुशी के मारे, गोलम को उस जगह में किसी की आवाज सुनाई देती है की, और इस पर वो स्मॉली का मुंह बंद करा देता है। जब वो आदमी उस जगह से चले जाता है तो स्मॉली अपने पापा से पूछती है कि उसे डर लग रही है, तो उसके पापा उसे कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, उसे अब सो जाना चाहिए। लेकिन स्मॉली वहाँ पे सोने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो सो जाती है और दूसरी तरफ उसके फादर उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, जहाँ जब वो अपना बाजू उठाते हैं तो वो देखते हैं कि हाथ में क्रैक्स आ चुके हैं। सुबह के टाइम पर स्मॉली देखती है कि उसके हॉर्न उसके पापा ने बिल्कुल ठीक कर चुका है और यहाँ उसे गोलम समझाता है कि इस बार कोई गड़बड़ी मत करना, अगर तुम पकड़ी जाओगी तो तुम्हें ये लोग ले जाएंगे। इसमें की स्मॉली बिल्कुल एग्री होती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आज वो कहाँ जा रहे हैं, तो गोलम उसे बताता है कि सिटी में जाने के बाद स्मॉली उस जगह में काफी सारी चीजों को देखती है और वहाँ की खूबसूरती को देख कर वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी होती है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी बड़ी सिटी कभी देखी नहीं थी। वहाँ पर उसे कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि अपने पापा के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। स्मॉली भी वही चाहती थी लेकिन उसके पापा अपने काम से बिजी थे। यहाँ कुछ देर आगे जाने के बाद स्मॉली देखती है कि उसके पापा एक दुकानदार से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि गोलम वहाँ पर उसे जंगल के काफी कीमती स्टोन्स दे रहा होता है, बट वो दुकान उसकी पत्थरों की कीमत कम बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि इनकी तो वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं है और वो उसे कम पैसों में निपटा रहा होता है, जिसे देखकर गोलम पास की अंगूठी पकड़ के उसकी दुकान से उसे देखता है और कहता है कि ये रिंग तो मुझे फेक लग रही है, इवन कि तुम्हारी दुकान में जितने भी शो पीस के लिए रखे हुए हैं वो सारे के सारे बेकार जेमस्टोन्स हैं। उसकी बातों को सुनकर वो शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे उसके पत्थरों की कीमत देता है। जब गोलम पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि स्मॉली तो उस जगह में है ही नहीं, और दूसरी तरफ स्मॉली को हम देखते हैं जो कि एक बिल्ली का पीछा करते करते एक पुरानी अनजान गली में पहुंच जाती है। इसके बाद गोलम, जिसे कि सोमाली की चिंता हो रही होती है, वो अपनी पर्स को ऑर्डर देता है उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम स्मॉली को देखते हैं जो कि बिल्ली का पीछा करते करते जब उस जगह में पहुंचती है तो वो देखते है कि वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसी का इंतजार कर रहे हैं और वो बिल्ली भी कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं बल्कि वो भी एक डीमन होती है, और यहाँ पर वो स्मॉली को मारने के लिए आए होते हैं। पर सही टाइमिंग में गोलम आकर
स्मॉली को बचा लेता है और उस बिल्ली को भी उस जगह से भगा देता है। वो बिल्ली शॉप की ओनर के पास आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता वो लड़की कुछ अलग सी है। दूसरी तरफ हम गोलम को देखते हैं जो कि स्मॉली को लेकर जा रहा होता है। वो उसे समझाता है कि हाँ जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, यानी कि यहाँ सबके सब अपने अपने मतलब से काम रखते हैं और अगर वो ऐसे ही इधर उधर भागते रहेगी मुझे छोड़कर तो कोई उसे मार देगा। वेल, इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर कि गोलम नहीं चाहता था कि स्मॉली एक बार फिर से उससे अलग हो, इसलिए वो उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिस पर कि स्मॉली भी पहली बार गोलम का हाथ पकड़ती है। अपने उन नन्हे नन्हे हाथों से उसे भी अपने फादर का वही वाला प्यार महसूस होता है जो कि उसे कब से चाहिए था। वेल, इसके बाद वो रास्ते में तंबू लगाकर आज रात को वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। मॉर्निंग के टाइम पर गोलम अपने हाथों को देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि स्मॉली भी उठ चुकी है। इसके बाद स्मॉली पास की नदी से एक मछली लाकर ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए गोलम के साथ रेडी हो जाती है, जहाँ गोलम उसे आग जलाना सिखा रहा होता है। यहाँ जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी हम एक आदमी को नोटिस करते हैं जो कि गोलम और स्मॉली के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी उस जंगल से दो रैबिट्स भी आ जाते हैं और उसे पाक स्मॉली काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि बहुत ज्यादा गुदगुदे थे। जैसा कि गोलम नेचर का गार्जियन था तो वो जंगली जानवरों से बात कर सकता था। वो रैबिट गोलम को बताते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ नहीं है और दूसरी तरफ उन रैबिट में से एक रैबिट स्मॉली का स्नैक लेकर भाग जाता है, जिस पर कि स्मॉली उसका पीछा करने लगती है और बिना गोलम के वार्निंग के ऊपर ध्यान देते हुए जहां आगे भागने पर वो गिर जाती है और उसके पैर पे चोट भी लग जाती है। गोलम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना, और अब यहां पर वो स्मॉली का पैर देखता है जिससे कि खून आ रहा होता है। दूसरी तरफ स्मॉली भी रो रही होती है, कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है कि तभी उस जगह में एक बंदा भी आ जाता है, उसका नाम सिजुमा होता है। सिजुमा यहां पर स्मॉली के चोट को दवाई लगाकर ठीक कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों को अपने घर में भी इनवाइट करता है। वहाँ पहुँचने के बाद एक बंदा उसके ऊपर टमाटर फेंक कर उसका वेलकम करता है। असल में वो सिजुमा का असिस्टेंट था और वो उससे नाराज था, लेकिन जब वो वहाँ पर स्मॉली और गोलम को देखता है तो वो उनके लिए डिश तैयार करता है। दूसरी तरफ स्मॉली खाना देखकर तो उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। दूसरी तरफ वो सिजुमा से पूछती है कि क्या वो भी उसके तरह बच्चा है, तो सिजुमा बताता है कि असल में उसकी उम्र ज्यादा है, वो बस दिखने में ही छोटा है। वो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते थे, तो जिस पर सिजुमा उनसे मजाक में कहता है कि यहाँ रुकने के लिए तुम्हें कुछ पे करना होगा, जिस पर कि गोलम अपने हाथ से एक टुकड़ा निकाल कर उसे दे देता है। उसकी कीमत लगभग काफी ज्यादा थी और वो लोग इसे देख कर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। स्मॉली उससे पूछती है कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा, तो जिसके जवाब में गोलम उसे बताता है कि नहीं, उसे दर्द महसूस नहीं होता। वेल, इसके बाद वो उस जगह में रहने लगते हैं जहाँ पर कि स्मॉली अपने फादर के साथ काम सीख रही होती है और दूसरी तरफ उसके फादर जो कि सिजुमा के साथ मेडिसिन के बारे में सीख रहा होता है। यहाँ बाद में उन्हें बताता है कि वो स्मॉली की काफी ज्यादा केयर करता है और वो उसकी आंखों में आंसू तक भी नहीं देख सकता। जब वो रोती है तो उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है और तभी उस जगह में स्मॉली भी पहुंच जाती है। इसके बाद रात के टाइम पर वो स्मॉली को एक कमरा देते हैं और उसे सुलाने के बाद गोलम सिजुमा और उस लड़के से बात करने के लिए आता है, जहां गोलम स्मॉली की हरकतों के लिए उन सबसे माफी मांगता है। तो वो कहते हैं कि वो भी बच्ची है और बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तभी वो बीच में गोलम से स्मॉली के पेरेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि आखिर उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, जिस पर कि गोलम चुप हो जाता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता और वो चाहता है कि वो स्मॉली के पेरेंट्स को ढूंढ कर उसे उसके घर वापस सुरक्षित पहुंचा दे। तो जिस पर वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें मिलेंगे इतने बड़े इलाके में, और अब तो मुझे लगता है कि स्मॉली तुमसे प्यार करती है और वही तुम्हें अपने पापा की नजरों से देखती हुई है, क्या तुम उसके बिना रह पाओगे। जिस पर कि गोलम अपनी जैकेट उतार देता है और उसे अपनी बॉडी दिखाता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी लगभग 1000 साल की थी, जिसमें से उसने 998 साल तो जीत चुके हैं और अब उसके पास से 2 साल ही बचे हैं। वो मरने से पहले स्मॉली को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद जो सबसे ज्यादा केयर करेंगे उसकी वो उसके पेरेंट्स ही है, और वैसे भी उसकी जिंदगी का क्या है, वो कभी भी मर जाएगा, कभी भी उसके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। जिस पर कि सिजुमा उससे पूछता है कि क्या इन सारे बातों के बारे में स्मॉली को पता है, तो
गुलम बताता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी को लेकर इतना बड़ा ट्रॉमा उसके छोटे से दिमाग में फंस जाए। वेल, सुबह के टाइम पर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि वो उन्हें अलविदा कह रहे होते हैं। वो लोग स्मॉली को उस जगह से जाने से पहले उसे कुछ स्वीट्स दे रहा होता है, और यहाँ पर स्मॉली अपने फादर के साथ उनसे ये कहते हुए चले जाती है कि वो अगले बार उनसे मिलने जरूर आएगी, ये ना जानते हुए कि वो तो अब आ ही नहीं पाएगी। वेल, वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वो काफी दूर चलने के बाद एक रिमोट एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ आसपास कुछ भी चीज मौजूद नहीं होती, यानी कि अभी भी उन्हें काफी दूर तक चलना पड़ेगा। स्मॉली रास्ते में गुलम को बताती है कि उसे उसका हाथ पकड़ के चलने में बहुत अच्छा लगता है, तो जिस पर गुलम भी पुरानी बातों को याद करके उसका हाथ पकड़ कर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद हम देखते हैं कि स्मॉली थक जाती है, बट अब वो वहाँ की एक सिटी में पहुंच चुके थे जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो भी डीमंस की सिटी है, बट काफी फेमस, और अगर स्मॉली इस जगह में खो गई तो वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इस बारे में वो स्मॉली को भी अलर्ट कराता है। स्मॉली उससे वादा करती कि वो उसको छोड़ के नहीं जाएगी। वेल, इसके बाद उसके फादर हमेशा की तरह दुकान में जाकर अपनी जंगलों की कुछ कीमती चीज देकर उनसे पैसे लेने लगता है, और दूसरी तरफ स्मॉली जो कि आसपास की जगह को देख रही होती है कि तभी एक बंदा यानी कि वुल्फ मैन आकर उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर कि स्मॉली उसको देखकर डर जाती है और वापस से गोलम के पास चले जाते हैं। जहां थोड़ा दूर चलने के बाद गोलम नोटिस करता है कि स्मॉली को भूख लगी है, इसलिए वो उसे पास के होटल में ले आता है। बट हैरानी की बात तो ये थी कि उस होटल में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। तभी स्मॉली की नजर एक डब्बे के ऊपर जाती है जो कि हिल रहा होता है। इसके बारे में वो गोलम को भी बताती है, और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक डीमन बेबी होता है, यानी कि रैपिड का। वो आधा रैपिड था और आधा डीमन। तभी उस जगह में उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बच्चा उस जगह से भाग रहा होता है, लेकिन स्मॉली उसे पकड़ लेती है। यहाँ वो अंदर आने के बाद वो आदमी, उसका नाम चेल्स होता है, चेल्स उसे कहता है कि अब तो तुम्हें पता ही कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। और वो लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं, जहाँ गोलम उसे बताता है कि उसे यहाँ पे कुछ काम चाहिए पैसे कमाने के लिए, इसलिए वो बंदा उससे वेटर की नौकरी दे देता है उनके होटल में। जहाँ गोलम उससे कहता है कि वो जब काम कर रहा होगा तो वो यहाँ पे चेल्स के बच्चे के साथ ही रहे और उसी के साथ ही खेले। और यहाँ दूसरी तरफ वो स्मॉली को उसका पेन बताने लगता है, जिस पर कि स्मॉली भी उसे अपनी जर्नी के बारे में बता रही होती है। दूसरी तरफ जैसे रेस्टोरेंट खुलता है तो यहाँ पर गुलम अपने काम पे लग जाता है। वो वहाँ पे काफी ज्यादा कस्टमर्स का भी दिल जीत लेता है अपनी सर्विस से। वेल, यहाँ पर वो एक कस्टमर से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम इंसानों के बारे में पता है। असल में वो उनके मीट से डिश बनाना चाहता है और यहाँ के लोगों को भी चखाना चाहता है। असल में वो यहाँ पर झूठ बोलता है क्योंकि उसे तो इंसान चाहिए थे जो कि स्मॉली का ख्याल रख सके। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हमें एक बंदे के बारे में तो पता है जो तुम्हें इंसानों की एरिया तक ले जाएगा। वो इंसानों वाली भाषाएं भी बोलता है, लेकिन डेजर्ट को पार करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वहाँ पे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी रहते हैं, और उस जगह में जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी होने चाहिए ज्यादा, जिसी के लिए गोलम होटल में काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम स्मॉली को देखते हैं, जो कि अपने नए दोस्त के साथ काफी ज्यादा खुश थी। उसका नया दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम सच में इस जगह से कुछ दिनों बाद चले जाओगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या तुम्हारे पापा हमेशा हमारे होटल में वेटर बन के नहीं रह सकते, इसी बहाने हम दोनों खेल सकते हैं और भी दिन। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मॉली को भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अपनी डेजर्ट की जर्नी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। वेल, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलम पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, और यहाँ पर वो होटल की ओनर यानी कि चेल्स और उसकी वाइफ कहती है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, हमें उसकी पेमेंट के हिसाब से उसे दुगना देना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपने काम से इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि वो स्मॉली को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, जिस पर स्मॉली को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आजकल उसके पापा उससे बात तक भी नहीं करते। यहाँ एक दिन हम देखते हैं कि स्मॉली का दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बाहर मार्केट घुमा सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और जब इसकी परमिशन लेने के लिए वो गोलम के पास जाती है तो गोलम उसे साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो इस अनजान शहर में खो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चेल्स के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, और वैसे भी स्मॉली के साथ उनका बेटा है ना, वो तो यहाँ पर सारे इलाकों को जानता है, और उसी के ट्रस्ट पर गोलम उसे जाने देता है। दूसरी तरफ वो दोनों शहर से स्नैक्स खरीद कर बाहर बैठ के खाने लगते हैं,
जहाँ स्मॉली रोने लगती है और कहती है कि उसके फादर अब उससे प्यार नहीं करते, उनके पास उसे समय देने के लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे ही साथ रहे। जिस पर कि उसका दोस्त उसे बताता है कि इस जगह में एक केव मौजूद है, उस अंडरग्राउंड केव में एक तरह के यामा फ्लावर्स पाए जाते हैं, अगर तुम उससे विश मांगती हो तो वो विश पूरी हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और यहाँ पर उन दोनों को बातें करता हुआ एक वुल्फ भी सुन रहा होता है। दूसरी तरफ वो दोनों उस फ्लावर्स की खोज में अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाते हैं। वो जगह उन्हें काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स मौजूद थे। स्मॉली पास से एक यामा फ्लावर को तोड़कर विश मांगने लगती है कि उसके पापा उसे छोड़कर कभी ना जाए, क्योंकि उसके अलावा उसके दुनिया में और कोई नहीं है। वो चाहती है कि उसके पापा उसे ज्यादा से ज्यादा समय दे। लेकिन तभी उस जगह का एक क्रिएचर मशरूम, जो कि अपनी आंख से स्मॉली को देख रहा होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है कि तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर वही वुल्फमैन भी आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को बचा लेता है। उन दोनों से कहता है कि आकर तुम इस जगह में किस लिए आए हो। तो उसे स्मॉली जो कि अपने पापा को याद कर रही होती है, और अब हमें बताया जाता है कि आखिर गोलम स्मॉली से कैसे मिला था। गोलम जो कि अपने ही काम से हमेशा बिजी रहता है, उसका काम यही है कि वो नेचर को देखते रहे कि कोई रूल्स तो नहीं तोड़ रहा, बट उसने एक दिन खुद ही तोड़ दिया जब उसने स्मॉली को अडॉप्ट करा। अपने टुकड़ों को तोड़कर वो स्मॉली के आंसू साफ करता रहा और उसने फादर होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। और इसके बाद हम गोलम को देखते हैं जो कि समय देखता है कि काफी ज्यादा हो चुका है और दोनों बच्चे अभी तक घर में नहीं पहुंचे। यहाँ पर उसे स्मॉली की चिंता हो रही होती है, जिस पर कि चिल्स की वाइफ उसे बताती है कि बच्चे कुछ ही देर में आ जाएंगे, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे। इसके बाद गोलम अपने काम फिर से करने लगता है। दूसरी तरफ हम उस वुल्फमैन को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि उस बच्चे का टीचर था। वुल्फमैन अपने स्टूडेंट को देखकर कहता है कि उसने उसे मना करा था ना इस खतरनाक प्लेस में ना आने के लिए, तो फिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके टीचर को गुस्सा करता देख हम स्मॉली को देखते हैं जो कि पत्थर के पीछे छुप जाती है। उसे डर लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके टीचर बुरे नहीं है, इवन कि वो एक गैंग से आते हैं जो कि हमारी सिटी के इस अंडरग्राउंड चैम्बर की रक्षा करते हैं। वो वुल्फमैन कहता है कि अच्छा हुआ मैं सही टाइमिंग पे आ गया, मैं तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था, नहीं तो आज तुम दोनों बच्चों को पता नहीं क्या होता। दूसरी तरफ हम स्मॉली को देखते हैं जिसका फ्लावर मुरझाने लगा था, जिसे देखकर स्मॉली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो इसके बारे में बंदे से पूछती है, जिस पर कि वुल्फमैन उसे बताता है कि ऐसा तो होना ही था, तुमने उस फूल को तोड़ा है और जैसे ही तुम इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो वो पूरा मर जाएगा, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स उस पेड़ से मिलते हैं। जिस पर कि स्मॉली का दोस्त उसे बताता है कि अगर वो अंदर जाकर अच्छे वाले यामा फ्लावर को चूज करेगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो वुल्फमैन उसके आइडिया से साफ इनकार कर देता है। वो उन दोनों बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था और इसके बाद उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाने लगता है, उनका पीछा करने के लिए कहता है, जिस पर कि हम देखते हैं कि स्मॉली अपनी जगह से हिलती तक भी नहीं है। वो उस जगह से जाने के लिए राजी नहीं थी क्योंकि उससे अपनी विश मांगनी थी। जिस पर वुल्फमैन उसे बताता है कि ये अंडरग्राउंड इतना ज्यादा बड़ा है जितनी की पूरी सिटी होगी, इवन कि हम और हमारी टीम मिलकर भी इस जगह को अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई और शायद आगे तो खतरे भी हो सकते हैं। लेकिन स्मॉली अभी भी राजी नहीं थे, जिस पर कि वुल्फमैन तैयार हो जाता है। उस जगह में काफी मुसीबतों को पार करने के बाद, बहुत पहाड़ी चढ़ने के बाद वो जंगल के कोर में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें काफी बड़ा पेड़ दिखाई देता है और उसके पास मौजूद होते यामा फ्लावर्स, जिस पर कि स्मॉली एक फ्लावर को तोड़कर विश मांगने लगती है। उस जगह में उस पेड़ का गार्जियन भी आ जाता है जो कि काफी बड़ी छिपकली होती है। जैसे ही वो उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था, उनके ऊपर अटैक करने के लिए स्मॉली बीच में खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे विश मांगना चाहती है, जिस पर कि वो छिपकली स्मॉली की आंखों में देखता है और जगह से चले जाता है बिना उन लोगों को हार्म पहुंचाए। इसके बाद वो वुल्फमैन उसे उस छिपकली के बारे में बताता है। वो उससे ये भी कहता है कि अब स्मॉली की विश जरूर पूरी होगी। जब वो दोनों घर पहुंचते तो स्मॉली अपने फादर को वही यामा फ्लावर देती है और अपने बारे में बताने लगती है आज उसने क्या क्या करा। लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी, जिस पे कि गोलम नाराज होता है और इवन कि वो स्मॉली को डांटने भी लगता है कि उसे पता भी है वो कितने लेट आ रही है घर पर, इवन कि वो उसके फ्लावर को भी नहीं पकड़ता, जिस पे कि स्मॉली का दिल टूट जाता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने कमरे में चले जाती है। दूसरी तरफ वो वुल्फमैन गोलम को पूरी बात बताता है कि आखिर वो उस फ्लावर को लेने के लिए अपने फादर के लिए गई थी, तुम्हें उसकी लगभग पूरी बात तो सुननी चाहिए थी। यहाँ पर चेल्स भी गोलम को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि बच्चे तो नादान होते हैं, तुम्हें उसके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था, वो इतने दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए विश मांगने गई थी कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रही, जिसके बारे में गोलम को भी बुरा लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि इस मौली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इवन कि वो खाना खाने से भी साफ इनकार कर देती है, जिस पर कि गोलम भागते भागते आधी रात में उसके लिए दवाई लेने के लिए जाता है। उसे बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से सुमाली रो रही है, उसके दिल में कितना ज्यादा असर
पड़ा होगा और उसकी दवाई खरीदने के चक्कर में उसके सारे कमाए हुए पैसे वहाँ पे खर्च हो जाते हैं, जितना कि वो तब से मेहनत कर रहा था। लेकिन उसे अपने पैसों की परवाह नहीं थी, बल्कि सोमाली की परवाह थी। उससे तब स्मॉली जब सुबह उठती है तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। यहाँ पर गोलम उससे माफी मांगता है जो भी उसने कल रात को करा है, जिस पर कि स्मॉली अपने पापा के गले लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझसे कभी अलग मत होना। यहाँ हम देखते हैं कि अब उन्हें उस जगह में और दिनों तक रुकना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे अपने आगे का सफर तय करने के लिए। इसलिए वो वापस से अपने काम पे लग जाता है, जहाँ दूसरी तरफ हम उसी वुल्फमैन को देखते हैं जिससे कि गोलम के बारे में सब कुछ पता था कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए वो उन्हें पैसे देता है उनकी जर्नी शुरू करने के लिए और अगले दिन स्मॉली और गोलम अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि सोमाली का दोस्त रो रहा होता है क्योंकि उससे उसकी काफी याद आएगी, जिस पर कि स्मॉली उससे भी वादा करती है कि वो बाद में जरूर आएगी और वो दोनों बहुत मस्ती करेंगे। और इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेजर्ट की गर्मी से कितना ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसके बाद वो एक सिटी में आकर रुकते हैं। असल में वो सिटी वोल्केनो के अंदर बनी हुई थी, वो लगभग छोटी सिटी थी। वहाँ के लोग एक दूसरे को एक फेमस वाइन देने लगते हैं, तो गोलम उसका रीजन पूछता है, जिस पर कि वो लोग बताते हैं कि काफी साल पहले जब यहाँ पर बिल्कुल खाली इलाका तो कुछ ट्रैवलर्स में आकर इस जगह में यही ड्रिंक पी थी और तब से लेके अब तक ये तरह की सरमनी बन चुकी है। जो भी इसे पीता है माना जाता है कि उसका जर्नी बिल्कुल सेफ होता है डेजर्ट में, खास करके डेजर्ट के तूफान की वजह से। दूसरी दफा स्मॉली को देखते हैं जो कि आइसक्रीम के लिए उन सबसे लड़ रही होती है कि तभी वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम यूजी होता है। यूजी को स्मॉली काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। इसके बाद वो उसे अपनी आइसक्रीम दे देती है। यहाँ वो लोग बातें करते हैं कि असल में वो भी अपनी जर्नी के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी डेजर्ट पार करना है। यूजी बताती है कि उसके साथ एक और बंदा है, यानी कि हाथोरा। हाथोरा को इलाज के लिए कुछ दवाई चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगी। वो यहाँ पे गोलम और उसकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो गोलम बताता है कि वो इंसानों की तलाश में है, इसलिए फोन के बारे में जानना चाहता है और वो डेजर्ट से बाहर निकल के उस सिटी में उनके बारे में पूछना चाहता है, जिस पर कि वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ पे यूजी उन्हें आइडिया देती है कि वो उनके साथ उनकी गाड़ी में क्यों नहीं चलते हैं, वो भी उसी रास्ते से होते हुए जाएंगे, जिस पर कि स्मॉली काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पे गोलम भी तैयार हो जाता है। हम यहाँ अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कि यूजी, जिसे कि महसूस हो चुका था कि स्मॉली एक इंसान है और वो यहाँ पर उससे हाथोरा की मदद करना चाहती थी जो कि असल में इन्फेक्टेड है, उसे सिर्फ इंसानी खून ही बचा सकता है। अगले सुबह वो अपने सफर के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि यूजी टायर्स को बदल रही होती है जो कि रेगिस्तान के तूफान में भी बिना रुके काम कर सके। दूसरी तरफ हाथोरा यूजी के प्लान से बिल्कुल भी एग्री नहीं था, उसे बुरा लग रहा होता है। यहाँ वो अपना सफर शुरू करता है, जहाँ पर स्मॉली नोटिस करती है कि उनकी गाड़ी में उसे धूप भी नहीं लग रही इतनी तेज। इसके बारे में वो यूजी की इस गाड़ी की तारीफ करने लगती है। उनका सफर काफी ज्यादा अच्छा चल ही रहा होता है तब तक जब कि वहाँ पर एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है और डेजर्ट का सबसे खतरनाक वाला मॉन्स्टर और वो क्रिएचर काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन जैसे कैसे करके वो उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर यूजी स्मॉली को एक तरह का क्रिस्टल दिखाती है, वो कहती है कि ये क्रिस्टल हमें असली क्रिस्टल्स की गुफा तक ले जाएगा और वो वहीं पर ही रात बिताने वाले हैं क्योंकि वो जगह के लिए बिल्कुल सेफ होगी। वहाँ पहुँचने के बाद स्मॉली को उस जगह का साउंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हाथोरा और गोलम टेंट लगा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो लोग लाइट के लिए कीड़ों को पकड़ रहे होते हैं रात के लिए। इसके बाद दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि स्मॉली से उसके गोलम के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन यहाँ पर स्मॉली को सिर्फ इतना ही पता था कि वो उसके पापा है, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, जिस पर कि यूजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद स्मॉली उसके और हाथोरा के बारे में पूछती है, जिस पर कि वो बताती है कि असल में हाथोरा उसका सब कुछ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे जब वो छोटी सी थी, उसके बाद उसकी केयर हाथोरा ने करी और अब वही उसकी फैमिली है जैसे कि गोलम और तुम। यहाँ वो एक बार फिर से पानी की तलाश पे अपने साथ स्मॉली को भी ले जाती है। असल में वो यहाँ पर अपने प्लान को अंजाम देने वाली थी। इस सब के बारे में हाथोरा को भी पता था। जब वो दोनों उस जगह से चले जाते हैं, वो हाथोरा सब कुछ गोलम को भी बता देता है। वो कहता है कि इसमें यूजी की भी कोई गलती नहीं है, पर तुम उसे रोक दो क्योंकि उसके इरादे सही नहीं है। असल में हाथोरा नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई छोटी बच्ची मरे। और इसके बाद वो गोलम को बताता है कि वो भी इंसान है, उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी यूजी को रोकना होगा। दूसरी तरफ यूजी, जिसने स्मॉली को पकड़ चुका था,
उससे माफी मांग रही होती है। उससे कहती है कि उसके खून की वजह से आज उसका अपना बच जाएगा। इसको सुनकर स्मॉली कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और यहाँ वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, उस जगह से भागने लगती है। उसे बुरा लग रहा था कि यूसी उसे मारना चाहती है, उसने तो उसे अपने दोस्त की तरह समझा था, आखिर उसने ऐसा क्यों करा। तभी उस जगह में यूसी भी पहुंच जाती है जो कि भागने में उससे भी ज्यादा तेज थी। वो उसे रोक देती है और कहती है कि तुम नहीं भाग सकती। उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है हाथुरों को बचाने के लिए, जिस पर कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि स्मॉली पानी में गिर जाती है और वहाँ पे डूबने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूसी उसे बचा लेती है और उसे अपने विंग से सेफ फील कराती है। वो उससे माफी मांगती है कि उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो यहाँ पे उसे पूरी बात बताती है कि उसका रीजन स्मॉली को हर्ट करने का नहीं है, बट उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। तभी उस जगह में गोलम भी पहुंच जाता है जो कि डायरेक्ट यूसी की तरफ ही बढ़ने लगता है गुस्से से। लेकिन बीच में स्मॉली आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है पानी में डूबने से और वो बुरी नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ यूसी भी हाथोरों के पास आकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बुरी हूँ ना, मैं सबसे बुरी हूँ। वेल रात के टाइम पर जब वो और यूसी सो रहे होते हैं तो यहाँ पर यूसी देखती है कि स्मॉली ने उसे माफ कर चुका है और बाहर दूसरी तरफ गोमेल और हाथोरो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पहले तो यहाँ पर हाथोरो गोलम से माफी मांगता है जो भी आज उसने करा है, जिस पर कि गोलम ने उसे माफ कर चुका था। वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि भले ही वो सिमिलर दिखता है यूसी से, लेकिन वो वैसा है नहीं, वो इंसान है। और अब वो उससे पुरानी बात बताने लगता है कि असल में उसने गलती से यूसी की मॉम को खा दिया था। और अब वो उससे पूरी बात बताने लगता है कि उसकी पूरी फैमिली रहती थी एक गांव में, वो लोग वहां पे खुश रहते थे, लेकिन अचानक से जब मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो वो लोग अपने घर छोड़कर भाग। उनमें से कुछ लोग जिनकी मॉन्स्टर्स के हाथों में लग चुके थे उनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। इवन की उन मॉन्स्टर्स ने छोटे बच्चों तक को भी नहीं बख्शा, उनके हाथ पर काट के उन्हें खा दिया। जंगल में जैसे कैसे करके उसकी फैमिली बच तो चुकी थी, पर खाने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे। जब हाथोरो खाने की खोज में निकलता है तो उसे वहाँ पर एक जानवर दिखाई देता है, वो उसे हंट कर देता है ये जाने बिना कि असल में वो तो यूसी की मॉम है। भूख की वजह से उन्होंने उसे खा तो लिया, बट उसके बाद उस पूरी फैमिली मर गई क्योंकि वो लोग भी इन्फेक्शन की वजह से वैसे ही बनने लगे थे। बट अफसोस की बात तो ये है कि मैं उस इन्फेक्शन से बच गया क्योंकि उसका ज्यादा असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। जब मुझे ये बात पता चली कि असल में जिस बंदे को उन्होंने खाया था वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि यूसी की मॉम थी। यूसी की उम्र उस टाइम पर काफी ज्यादा छोटी थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड करा कि वही आज के बाद इसका गार्जियन बनेगा। दूसरी तरफ हम टेंट के अंदर यूसी को देखते हैं जो कि इन सारी बातों को सुन रही होती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि असल में हाथुरो ने उसकी फैमिली के साथ ऐसा करा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक बार फिर से डेजर्ट के तूफान के वजह से सोमाली और यूसी उड़ जाते हैं, वो एक अलग ही डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। जब गोलम और हाथुरो की उनकी लोकेशन पता चलती है तो उन्हें ये भी पता चलता है कि असल में उनके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर पड़ा हुआ है और वो उनके सामने से उन दोनों को नहीं बचा सकते हैं। जिस पर कि हाथुरो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लेगा उन दोनों को बचाने के लिए, जो भी पाप उसने पास्ट में करे उनका पश्चाताप करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यूसी उसे ऐसा करता देख उस मॉन्स्टर को पहले खत्म कर देती है और वो बाद में हाथुरो का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि अगर तुम खुद नहीं जीना चाहते हो तो कोई नहीं, बट तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। क्या तुमने कभी सोचा भी कि तुम्हारे बाद मेरा है कौन? और इसके बाद वो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ गोलम इन सारी चीजों को याद कर रहा होता है, उसे भी महसूस हो रहा होता है कि वो भी सोमाली के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रुक पाएगा। वेल इसके बाद वो काफी मस्ती के बाद अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ की अब वो डेजर्ट के लगभग बीच में पहुंच चुके थे। हाथुरो से पूछता है कि आखिर वो लोग और कितना दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी तो अब यहीं पर ही खत्म होने वाली है आगे जाने पर। और रात के टाइम पर सोमाली यूसी से ह्यूमंस के बारे में पूछती है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती जानते हुए भी। दूसरी तरफ बाहर हाथुरो और गोलम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर गोलम जो कि अपने दिल की बात कहना चाहता था वो हाथुरो के सामने रखता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लगभग उसके पास 2 साल ही बचे हैं। और इसके बाद वो अपने आप को देखता है, उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स बनने लगे थे, जिस पर कि हाथुरो उसे कहता है कि आगे एक सिटी पड़ेगी, तुम वहाँ पर रुक जाना, वहाँ पर ह्यूमंस को लेकर सारी किताबें पड़ी हुई है, शायद तुम्हें उनकी लोकेशन के बारे में वहाँ पर पता चल जाए। और इसके बाद सुबह वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि डेजर्ट खत्म होने लगा था और जंगल शुरू होने लगे थे। स्मॉली उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश होती क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, बट स्मॉली को बुरा लग रहा होता है क्योंकि यूसी उससे अलग हो जाएगी क्योंकि उनके रास्ते आपस में बट चुके हैं, वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ
यूजी और हातुरो अपने जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, एक दूसरे से अलविदा कहते हुए कि शायद बाद में वो एक दूसरे से मिले। काफी देर जंगलों में चलने के बाद हम देखते हैं कि सुमाली और कोलम एक गांव में पहुंच जाते हैं और असल में वो सिटी विचेस की सिटी होती है। वो दोनों उस जगह की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ के लोगों के भी, वो लोग ज्यादातर विच थे। वहाँ पर सुमाली को देखकर विचेस उसके पास आती है और उसे अलग अलग तरह की स्वीट्स देने लगती है, जिस पर की सुमाली मना नहीं करती और उन सबको खाने लगती है। कुछ देर बाद गोलम सुमाली को बताता है कि असल में वो ह्यूमंस की तलाश उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ढूंढने के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद वो विचेस के काफी बड़ी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर की पूरी दुनिया की खबरें मौजूद है। उन्हें वहाँ पर इंसान के बारे में किताबें ढूंढनी थी, जिस पर की वो लाइब्रेरी की एक लड़की से मदद मांगते हैं। उस लड़की का नाम हेजल होता है और वो पता करती है कि असल में उनकी लाइब्रेरी में एक ही किताब है और वो भी गायब है। तो उसे याद आता है कि शायद उसकी बहन उस किताब को पढ़ रही होगी। जब वो लोग उस जगह में पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ हम सुमाली को देखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस वाली किताब मिल चुकी थी और वो गोलम को दिखा रही होती कि तभी उस जगह में कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि सुमाली के ऊपर अटैक करते थे। उन्हें वहां देखकर वो लाइब्रेरियन और गोमल मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं कि तभी उस जगह में काफी बड़ी जियांट फिश भी आ जाती है जो कि असल में किताबों को खाती थी। वो यहाँ पर सुमाली की हाथ की किताब को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि ह्यूमंस वाली बुक को जो कि सिर्फ आखिरी बची हुई थी। जैसे ही वो सुमाली को भी मारने वाली थी, उस जगह गोलम आकर उसे बचा लेता है और उसे रोकने के चक्कर में उसकी ज्यादातर आर्मर टूटने लगता है। इवन कि वो अपने विंग्स से उसे मार तो देता है बट वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसे देखकर सुमाली रोने लगती है और कहती कि उसकी वजह से उसने किताब तो खोई खोई और ऊपर से गोलम का आर्मर भी टूट चुका है। लेकिन गोलम को यहाँ पर सुमाली की ज्यादा चिंता थी। दूसरी तरफ वो लाइब्रेरियन बताती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, एक और रास्ता बताए। अगर शायद किसी बंदे ने इस किताब को पढ़ा हो पूरा, वो तुम्हें इसके बारे में बता सकता है। तो थोड़ी देर के रिसर्च के बाद उन्हें पता चलता है कि इस किताब को और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं की लाइब्रेरी की हेड ने 302 साल पहले पढ़ी थी और अब तो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। वो सिर्फ अपने मरने के 3 दिन गिन रही है। वो लोग तैयार तो नहीं होते हैं बट जब वो सुमाली का फेस देखते हैं तो वो लोग एग्री हो जाते हैं और उन्हें एक मैप वाली किताब दे देते हैं, जिसके बाद वो लोग लाइब्रेरी के कोर में जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसका लास्ट फ्लोर ही लाइब्रेरी का कोर होगा। जब वो लोग उस जगह में जा रहे थे कि तभी सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है और वहाँ पे विच अलार्म बजाकर और भी विचेस को अलर्ट कर देती है, जिस पर कि वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गोलम सुमाली को पकड़ के भागने लगता है जहाँ वो एक नदी में कूद जाता है। उस नदी को पार करने के बाद वो लाइब्रेरी के कोर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वही लाइब्रेरी की हेडमास्टर भी दिखाई देती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी बट उस जगह में विचेस आकर उन्हें घेर लेती है। इससे पहले कि वो उन्हें अरेस्ट करती, वो लाइब्रेरी की हेड उन सबको उस जगह से जाने के लिए कहती है क्योंकि गोलम और सुमाली के बारे में उसे पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो यहाँ पर उसे बताती है कि वैसे मुझे ह्यूमंस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता बट मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एंसेस्टर के एक्सपीरियंस से तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वो बताती है कि जब वो छोटी थी और आसमान में उड़ रही थी तो तूफान की वजह से एक अलग ही गांव में पहुंच जाती है। वहां वो लोग उसका अच्छे से ख्याल करते हैं और वहां का गार्जियन जो कि बिल्कुल गोलम की तरह दिख रहा होता है, वो उन लोगों को बताता है कि वो लड़की बिल्कुल सही है। इसके बाद जब वो बच्ची आपस से बात करती है गांव वालों से तो उसे पता चलता है कि वो लोग विचेस नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। इवन कि ह्यूमंस अपने से अलग जनजाति से काफी ज्यादा नफरत करता है, इवन कि मॉन्स्टर से लेकर डीमन से, और वो लोग जैसे ही उन्हें मिलते हैं वो उन्हें मार देते हैं, जिस पर कि वो लड़की डर जाती है और अपनी बारे में उन्हें नहीं बताती है। गोलम को उसके बारे में सब कुछ पता था और उसने उससे उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा था। यह वो हेडमास्टर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, वो गांव वालों के साथ रहने लगी थी। पहले तो इंसान उसे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, जैसे ही धीरे धीरे करके उनका असली रूप उसके सामने आने लगा तो वो बताती है कि वो लोग अपने मतलब के लिए आसपास के जंगलों के मॉन्स्टर्स को मार देते थे जो कि वहाँ पे बिल्कुल शांति से रहते थे। मैंने उन लोगों को गांव में डीमंस के अटैक के दौरान भी बचाया था बट इवन की मेरा शुक्रिया अदा कहने के बावजूद उन्होंने मुझे इस गाँव से भगा दिया। और वो ये भी जानती कि सुमाली भी ह्यूमन है बट वो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसका दिल काफी ज्यादा साफ है। और वो उन लोगों को ये भी बताती है कि इंसान इस वर्ल्ड के कोने में रहते हैं। वहाँ का रास्ता बताने के बाद हम देखते हैं कि गोलम और सुमाली उस जगह से निकल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में बारिश हो रही होती है। तो वो एक घर के ओनर को वहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं बट वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती, तो वो उस घर में पहुंच जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि शायद पहले यहाँ पे एक तरह का ग्रुप रहता था, अब वो लोग इस जगह से जा चुके हैं इसलिए वो यहाँ पे बिल्कुल रह सकते हैं। रात के टाइम पर जब गोलम सुमाली के लिए खाना बना रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि क्या वो
वो इस वर्ल्ड के आखिरी कोने तक पहुंच भी पाएगा तब तक, क्योंकि उसके हाथ पर अभी से जवाब देने लगे हैं। तभी उस जगह में सुमाली एक किताब लेकर आ जाती है, उसमें खाने की डिशेस के बारे में लिखा होता है। उसका नाम सुनकर ही सुमाली के मुंह से पानी आने लगता है और वो गोलम से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ये बना सकते हो, सिर्फ एक डिश बना दो ना प्लीज। उसकी आंखों को देखकर गोलम एग्री हो जाता है, उसके लिए केक बनाने लगता है, जिस पर कि सुमाली भी उसकी मदद कर रही होती है। केक बनने के बाद जब वो खाती है तो वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी था। यह हम गोलम को देखते हैं जो कि उस घर में बिना पैसों के रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो वहाँ के ओनर के लिए कुछ पैसे छोड़ देता है। जब वो लोग वहाँ पे मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। गोलम जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसे सिजुमा और उसका असिस्टेंट दिखता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि असल में वो यहाँ पर गोलम और सुमाली की जर्नी में मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ काम करना था आगे सिटी से। इसके बाद वो अपना सफर तय करते हैं और एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं। सिजुमा का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ये सिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर काफी बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं, जिसे सुनकर सुमाली डर जाती है। यहाँ गोमेल उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो, तो जिस पर सुजुमा बताता है कि वो यहाँ के डेंटिस्ट से मिलना चाहता है और कुछ नई चीजें सीखना चाहता है। जब वो शॉप में पहुंचते हैं तो वहाँ का डेंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि एक चूहा होता है। वो उसे पूरी बात बताता है कि दांत की समस्या को कैसे दूर करते हैं, बस उसमें ज्यादा कुछ नहीं दर्द होता है, जिसको सुनकर सुमाली डर जाती है क्योंकि उसके दांत पे भी कीड़ा लगा हुआ था मिठाई खा खा के। जब गोलम उससे पूछता है तो सुमाली उससे मना करके उस जगह से भागने लगती है। आगे जाने पर वो कुछ गुंडों से टकरा जाती है और वो गुंडे यहाँ पर गोलम को लूटने की कोशिश करते हैं, जिसपे कि गोलम और उसका असिस्टेंट उसे काफी ज्यादा पीटते हैं उन गुंडों को। दूसरी तरफ हम सिजुमा और सुमाली को देखते हैं जो कि छुपे होते हैं। वहाँ पे एक गुंडा पहुंच जाता है और उसे देखकर सुमाली उस जगह से भागने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसका दांत टूट जाता है। इसके बाद वो डेंटिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर कि वो चूहा बताता है कि तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सुमाली का सिर्फ दूध का दांत था, वो वापस आ जाएगा। और इसके बाद वो डेंटिस्ट गोलम को सुमाली का दांत एक डिब्बे में देता है यादगारी बनाकर रखने के लिए, जिससे कि गोलम उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद उनके पास रात के लिए रुकने के लिए जगह नहीं थी और वो इस क्रिमिनल्स वाली सिटी में नहीं रुक सकते, तो एक बंदा उनके पास आता है और उन्हें एक होटल के बारे में बताता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद गोलम सुमाली को सुलाकर बाहर सिजुमा से बात करता है। सिजुमा उससे कहता है कि मुझे पहले से ही पता चल चुका था कि सुमाली ह्यूमन है। अब जिस पर गोलम उसे पूरी बात बताने लगता है कि आखिर वो कैसे सुमाली से मिला था। जब वो फॉरेस्ट की देख रेख कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक गाड़ी के ऊपर जाती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और शायद किसी ने उनके ऊपर टाक करा था, जिस वजह से सारे के सारे इंसान मारे गए। असल में उन इंसानों को कैद करके कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन वो जब उस जगह से जा ही रहा होता है कि एक बिल्ली के वजह से उसकी नजर सुमाली के ऊपर जाती है, जो कि पेड़ के नीचे बैठी होती है। उस टाइम पर काफी ज्यादा छोटी थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब सुमाली गोलम को देखती है तो वो उसे अपना पापा समझ रही होती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो उसे अपना पापा क्यों समझ रही है। शायद उसे किसी का सहारा चाहिए था, इसलिए गोलम उस जगह से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमाली उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो देखता है कि वो सुमाली काफी दिनों से उसका पीछा कर रही थी, उसे भूख भी लगी थी, जिस पर कि गोलम उसकी मदद करता है। उसे लग रहा था कि वो वैसे भी इस जंगल में बिना किसी मदद के नहीं जी पाएगी ज्यादा दिनों तक। वो यहाँ पर सुमाली को समझाता है कि इस जंगल से बाहर लाइफ कितनी ज्यादा खतरनाक है, वो इस इलाके में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसे जंगल में ही रहने के लिए कहता है। लेकिन सुमाली उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो जहाँ पे जाता है सुमाली उसे पापा 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 कहकर पीछे जाने लगती है। समय के साथ साथ वो सुमाली के काफी ज्यादा करीब हो गया, इवन कि वो उसकी चेन भी तोड़ देता है और उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसने उसे सुमाली नाम भी दिया। वो अपने से वादा करता है कि वो सुमाली को उसके पेरेंट्स के पास सही सलामत ह्यूमंस के विलेज में छोड़कर आएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद वो उसे अपना आर्मर हटाकर बॉडी दिखाता है, जहाँ की उसकी बॉडी लगभग धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। वो यहाँ पर सिजुमा से कहता है कि क्या तुम मुझसे वादा करोगे अगर जर्नी के दौरान मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या सुमाली को उसके उसके घर तक पहुँचा दोगे, जिस पर कि सुजुमा कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ कुछ रिसोर्सेज को लेने के लिए गोलम और उसका असिस्टेंट बाहर चले जाता है, सुजुमा को सुमाली की देख रेख करने के लिए कहता है। यहाँ पर सुमाली सुजुमा के साथ काफी ज्यादा खुश थी, इवन की वो उसके साथ ब्रेसलेट बनाना भी सीख रही होती है। वो यहाँ पर एक ब्रेसलेट गोलम को भी गिफ्ट करना चाहती थी। तभी उस जगह में घर की ओनर भी आ जाती है, उस लड़की का नाम रोजा होता है, और वो यहाँ पर सुमाली को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वो उन लोगों की ब्रेसलेट बनाने में भी मदद करती है। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि रोजा कुछ गैंग से मिलने के लिए जा रही होती है, और वहाँ जाने के बाद वो सुमाली के बारे में सब कुछ उन्हें बता देती है कि असल में वो एक इंसानी बच्ची है। दूसरी तरफ
अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रोजा उसे रोक देती है यह कहते हुए कि वो एक दिन और क्यों नहीं रुकते हैं। उन्हें रास्ता भी पता है जहां वो जाना चाहते हैं, और वो रास्ता शॉर्टकट पड़ेगा तो तुम जल्दी से पहुंच जाओगे। उसकी बातों पर वो लोग भी एग्री हो जाते हैं और बाकी सामान भी खरीदने लगते हैं सफर के लिए। जहां सुमारी अपना ब्रेसलेट अपने पापा यानी कि गोलम को देती है, तो गोलम भी उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि वो भी उसके लिए शॉप से एक ब्रेसलेट लेके आया। वो दोनों एक दूसरे को ब्रेसलेट बनाते हैं और यहाँ वो लोग खाना खाने से पहले बाहर जाकर सुमाली के साथ खेलने लगते हैं स्नो से, इवन कि वो वहाँ पर स्नो मैन भी बनाते हैं। उसे देखकर सुमाली काफी ज्यादा खुश होती है और वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। घर में पहुँचने के बाद गोलम नोटिस करता है कि हंटिंग पार्टी जो लोग इंसानों को पकड़ के कैद में रखते हैं वो उसी घर के तरफ पहुँच रहे हैं। उसे देखकर वो असिस्टेंट कहता है कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ तो कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। पर जब उसे सुमाली के बारे में पता चलता है तो उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद वो गोलम और सुमाली से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, तब तक मैं उन लोगों को यहाँ पे भटका के रखता हूँ। और वो रोजा के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते से जाने के बाद वो देखते हैं कि असल में कोई दूसरी हंटिंग पार्टी भी उनका पीछा कर रही है, लेकिन आगे भागने पर वो देखते हैं कि रास्ता तो मौजूद ही नहीं है। रोजा ने तो बिल्कुल यही रास्ता बताया था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। जिस पे कि गोलम यहाँ पर सुमाली और सिजुमा को लेकर एक रास्ते पर कूद पड़ता है, जहाँ पर कि वो एक नए रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उन्हें अब टनल के बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, लेकिन सेफली उस जगह में रोजा आ जाती है। रोजा उसे बताती कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगी, जहाँ पर कि वो आगे चलने के बाद ही उन लोगों को एक केज में बंद कर देती है। और अब यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि उन हंटिंग पार्टी से और कोई नहीं बल्कि रोजा ही मिली हुई है। वो उन्हें बताती कि वैसे तो उनकी कोई पर्सनल दुश्मन ही नहीं उससे, बट रोजा सिर्फ इंसानों से नफरत करती है क्योंकि ने अपने काफी अपनों को खोया है उस वार के दौरान। और वो तब से लेके अब तक जब भी वो किसी ह्यूमन से मिलती है तो उससे अपना बदला लेने के लिए हमेशा मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हंटर्स यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। गोलम सुमाली को बचाने के लिए अपनी पावर से अपने हाथ को बाहर निकालता है, लेकिन उसका हाथ काफी ज्यादा कमजोर था जो कि टूट के नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोलम वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ सुमाली रोने लगती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हंटर सुमाली को पकड़ के जैसे ही मारने वाले थे तो गोलम उसे बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके एक काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और इसके बाद वो उन हंटर्स पार्टी के ऊपर टाक करके उन लोगों को डर के मारे उस जगह से भगा देता है। जब वो रोजा के ऊपर टाक करने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर सिजुमा का असिस्टेंट आकर उसे रोक देता है, लेकिन यहाँ पर गोलम अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही वो रोजा को मारने वाला ही होता है कि बीच में सुमाली आकर उसे रोक देती है, और इसके बाद यहाँ पर गोलम बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक पेड़ के नीचे होता है, जहाँ उसके पास सुमाली आती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मुझसे कभी अलग मत होना, और यहाँ वो उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ उस जगह में सुजुमा भी पहुंच जाता है। सुजुमा उससे कहता है कि उसने जैसे कैसे करके उसे बचा तो लिया है, लेकिन अब वो खुद से अपने आप को हील नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और अब तो उसकी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। जब वो ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है तो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था। यहाँ वो रात के टाइम पर सिजुमा से बात करने के लिए आता है। वो सिजुमा को पूरी बात बताता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, शायद उसको सुमाली का छोड़ने का टाइम आ ही चुका है, क्या वो उसका ध्यान रखेगा। जिस पर सिजुमा एग्री होता है, उससे कहता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम एक और बार सोच लो, मैं तुम्हारे डिसीजन में तैयार हूँ। वेल, इसके बाद वो अपना सफर तय करते हैं, जहाँ की वो एक गाँव में आकर पहुँचते हैं। उस गाँव में वो सबके सब लोग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मना रहे होते हैं और वो वहाँ पर लास्ट बार सुमाली के साथ इंजॉय कर रहा होता है, इस डर से कि शायद ये आखिरी बार हो जब वो सुमाली को देख रहा है। इसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। उसे वो सारी चीजें दिलाता है जो कि सुमाली को चाहिए होती है, सब कुछ इंजॉय भी कराता है वहाँ पे। यहाँ जब वो सिजुमा के असिस्टेंट के साथ आगे खेल देख रही होती है कि उसी दौरान हम देखते हैं कि गोलम उसे छोड़कर उस जगह से चले जाता है। जब सुमाली पीछे मुड़ के ये देखती है कि वो उसे छोड़ के जा रहा है, तो वो उसके असिस्टेंट की गोदी से हटकर उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वो उसी नदी के किनारे मिलती है जहाँ पर कि सुमाली रो रही होती है। वो उससे कहती है कि आखिर वो उसे छोड़ के क्यों जाना चाहता है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर भी कभी नहीं जाऊंगी और इधर उधर भी नहीं भागूंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा नहीं करा था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, जिस पर कि गोलम उसे धक्का मार देता है। वो उससे कहता है कि नहीं है उसके पास ज्यादा टाइम, और अब वो यहाँ पे उसे पूरी बात बताता है, जिस पर कि सुमाली कहती है कि आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और वो यहाँ पे उससे कहती है कि प्लीज मुझे आप ही के साथ रहना है। वो उससे कहती है कि मुझे टॉफीज कैंडीज कुछ नहीं चाहिए, उसे बस पापा चाहिए। यहाँ वो उसके गले लग जाती है, जिसे सुनकर गोलम कहता है कि ठीक है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें तक उसके साथ ही रहेगा। और इसी के साथ ये एनिमी यहीं पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आप
आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।